और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं। ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जो भगवान को नहीं देता। क्या तिरुपति गए थे, क्या देकर आए? तो क्या हम बाल दिया है, देखे आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो सही, गए थे, दिया है, ठीक है। तो किसी ने पूछा किसको देकर आए, जम के तो बोलो जरा किसको दिया? तो क्या भगवान के दिया। अच्छा, भगवान आकर बोले थे, चमके तो बोलो जरा, नहीं बोला किसने था? उस साथ में जो दोस्त गया था ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने बाल दिए थे। मैंने सोचा भगवान जल्दी प्रसन्न होगा, मैं भी दिया, मना नहीं है, बालाजी को बाल चढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बात केवल इतनी सी है, बाल तो देकर आए, रुपया भी खूब देकर आए, पर मन नहीं देकर आए। भगवान कहता है मुझे इन सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है तेरा निर्मल मन, तेरा स्वभाव, तेरा भाव। मुझे दिल चाहिए, बस हृदय चाहिए, और हम वही तो नहीं दे सकते। कई कई जगह पर बहन भाई को राखी बांधने जाए नहीं, तो भी बहन तो बहुत दिल लेकर चली जाए कि अब चलो सीवर वाला महाराज बोला है तो कम से कम अपन चली चले, चली भी जाए। पर भाई और भाभी का मन नहीं हो तो ईमानदारी से बोलना राखी बांधने में अच्छा लगे क्या? नहीं लगे। फिर बहन भी सोचे इससे तो मैं भगवान को राखी बांध देती, कई जाते से भाभी का मुंह चढ़ गया, पारा ऊपर नीचे हो गया, मैं क्या करूं? नहीं आई, मन नहीं दे पाए। आपसे बारंबार निवेदन है, हर बार निवेदन है, और बारंबार करते रहेंगे निवेदन एक ही चीज का कि मन दीजिए, मन दीजिए, मन दीजिए। भगवान को अगर कुछ देना है तो अपना दिल दो, मन दो, हृदय दो, चित्तवृत्ति भगवान को दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मन के साथ, मन कब देता है व्यक्ति भगवान को? अपना हृदय कब देता है? जब उसका अहंकार चले जाता, जब वो छत से नीचे उतर जाता। बहुत अभिमान है लोगों के, क्या कहें, इतना अहंकार। किस चीज का? अरे जोर जवानी ढलक जाएगी, जीवन बचा बस दो दिन का, तू कर ले रे प्राणी भजन प्रभु का, केवल दो दिन। नई नई दुल्हन रेनी तो उसके सब पूछे, छोटी लाड़ी, छोटी दुल्हन, उसके सब पूछे। अब जब वो पुरानी हो जाए तब कोई पूछे? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं पूछे। फिर तो रोग अभी तक नई थी ना, तो भोजन का भी पूछा कि छोटी ने खाई कि नहीं खाई, भोजन करा कि नहीं करा, बड़ी हो जब पुरानी हो जाए तो कोई पूछे कि भोजन करा कि नहीं करा? बल्कि उल्टा इसको पूछना पड़े कि तूने भोजन करा कि नहीं करा, मम्मी जी आपने भोजन करा, काका जी ने भोजन कराया, चाचा जी ने भोजन कराया, फिर इसको पूछना पड़ता उल्टा भोजन कर। नए हो ना तो हो सकता है कि युवानी अवस्था में, हो सकता है कि कभी कभी जब अवस्था ऐसी आ जाए, जब धन आसक्ति तृष्णा, जब बहुत सारा वैभव आ जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी संपदा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि नई नई लाड़ी है, नई नई बहू है, तो हो सकता है कि पूछाताछी ज्यादा हो रही। पर निवेदन है, नहीं नहीं, अभिमान नहीं आना। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में चले गए, अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, सब अभिमान में चले गए, सारे अहंकार में चले गए, सब अभिमत्ता में चले गए, सारे गए।
व्रत करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, दान करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, मंदिर जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, गुरु की शरणागति में जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए। ये लोगों को कहा जाता ना, जो लोग जब बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, बहुत बड़ी बड़े बड़े मंच लगते हैं, तब वहां से बोला जाता है श्रीमान श्री श्री 1008 श्री 108 श्री मठाधीश श्री पीठाधीश श्री ये बहुत सारा, तो उनका नाम बोला जाता है, फिर इसके बाद उनका नाम आता है, उसमें पता ही नहीं पड़ता कि नाम कब निकल गया, उन नामों में पता नहीं चल पाता कि वो नाम जो असली नाम था उनका गया कहाँ है, वो नाम चला कहाँ गया। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभिमान के नाम के साथ में, अहंकार के साथ में तुम्हारा कितना बड़ा उदा है, कितना बड़ा पद है, उससे मतलब नहीं होता। महाराज निर्मल मन अगर आपका है, चित्तवृत्ति आपकी मन निर्मल है, तो भगवान को पाना उसमें औधा ना निकलना। जिस दिन व्रत करो, छोटे से छोटा भी व्रत, आप सोमवार भी कर रहे हो ना, साधारण साधारण सा सोमवार का व्रत कर रहे हो, मंगलवार बुधवार गुरुवार जो साधारण सा कर रहे हो, उस समय भी आपका भाव बस आज विचार कर लेना कि हम अपने भीतर से अहंकार को रखेंगे नहीं और अहंकार त्याग कर मैं व्रत करूंगी। अब उठाओ व्रत की किताब, जितनी भी किताब आपके पास मैं अपनी अलमारी में रखी हो व्रत की, अभी हाल थोड़े दिन बाद तीज का व्रत आने वाला होगा, हरतालिका तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, छठ, सब आएगी, सबकी किताब है तुम्हारे घर में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में किताब नहीं हो, बड़ी चतुर हो तुम लोग, ईमानदारी की बात, क्योंकि तुम लोग जब व्रत करती हो तो पोथी पढ़ती भी हो, तो सबके घर में किताब रखी है, सत्यनारायण भगवान की भी रखी है, सबके घर में पोथी रखी है, तीज माता की किताब निकाल लेना, छठ माता की निकाल लेना, हर छठ की निकाल लेना, आप प्रदोष की निकाल, उसमें लिखा है प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद में फिर ये काम करिए, तो उसमें लिखा है कि स्नान करो, क्या लिखा है स्नान करो, उसमें ये नहीं लिखा कि नहाओ। उसमें नहाने का नहीं लिखा, उसमें लिखा स्नान करिए, नहाने और स्नान में अंतर है। नहाने के लिए लोग बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए लोग गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि अन्य नदियों में जाते हैं, खूब साबुन लगाया, शैम्पू भी लगाया, खूब जोरदार फेस वॉश भी लगाया, खूब नहाए। तो इसमें किताब में जो लिखा, तुम्हारे घर में भी जो किताब उसमें पढ़ना, उसमें लिखा स्नान करिए सबसे पहले, तो स्नान और नहाने में अंतर है। नहाने का मतलब है कि बाथरूम में गए, सर्फ साबुन लगाया, नहा लिए, नहाने से केवल शरीर साफ होगा, और स्नान का मतलब होता है कि किसी सदगुरु के पास बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, एक आसन कुसा का लगाकर उस पर बैठकर भगवान का भजन कर लेना, मतलब स्नान हो गया। या शरीर साफ नहीं करना, या मन साफ करना, आत्मा को निर्मल करना। आपसे कोई पूछे ना कि आपके स्नान कब से कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जवाब दे सकती हो, लगभग मैं 2 साल से कथा सुन रही हूँ, मतलब 2 साल से मैं स्नान कर रही हूँ, मतलब 2 साल से भगवान की भक्ति में लगी हूँ, तो वो स्नान ही तो है, भगवान की भक्ति को धारण करना स्नान ही तो है। नहाने और स्नान में अंतर है साहब, गए बाल्टी मैं पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नाना है, केवल नाना, स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए, जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है, स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद फिर कहा, फिर भगवान का उपासना करो, कुसा का आसन लगाओ, बैठो। कुसा जानते हो सब लोग, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुसा जानते हो कि नहीं जानते, डाब, कुसा, कुसा का आसन, ब्राह्मण कुसा कब तोड़ता है,
ये कुसा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो एक महीने तक चलेगा। केवल महाराज, और भद्र अमावस्या को जब तोड़ेगा तो एक वर्ष तक चलेगा। और कुसा तोड़ने का भी नियम है, कुसा लाने का भी नियम है, और उस कुसा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुसा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुसा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुसा का आसन चाहिए, हमको असली कुसा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुसा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुसा के आसन पर बैठ जाइए, आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुसा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो, जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुसा के आसन पर बैठो। 4 दिन 8 दिन 15 दिन कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुसा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुसा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुसा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रहे। कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुसा का आसन लगाओ। पर कुसा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुसा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है कुसा के आसन। कुसा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केश ही कुसा है, वही केश ही कुसा है। जिस दिन आपका मन कहीं नहीं लगे, बेचैनी अंदर से हो रही हो, भीतर से, हम तो ज्यादा समय तो आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी देर बैठोगे भी नहीं, सीधी सीधी बात है। हम कह भी दें कि तुम 1-2 घंटा बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते, तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी, तो निवेदन है कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुसा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए। नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण, तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, पर करो 15 मिनट बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज्यादा मैं करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो, और करके जरूर देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, करके देखने में अपना क्या जाए। कर देखो 15 मिनट बैठ जाए, जब हृदय हलचल हो जाए, हृदय में कहीं मन चित्त वृत्ति सब डामाडोल हो रही हो, लग रहा हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है, बैठ जाओ कुसा के आसन पर, बैठ जाइए। पर उस कुसा में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र से मतलब जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहेंगे, कुसा का जो आसन होता है उस आसन में चारों तरफ लाल कलर की लोग पट्टी लगा देते हैं,
बहुत ध्यान दीजिएगा, है आसन कुशाका अगर है तो उसमें जो नायलॉन प्लास्टिक की बद्दी से उसको सिल सिल के बनाते हैं, ये भी हमारे इसमें नहीं है। हम केवल कुशा के आसन की बात करते हैं, और कुशा का आसन अगर बना सकती है तो केवल घर की नारी ही बना सकती है। घर की नारी कैसे बनाएगी, उसको धागे से सिलती जाएगी, धागे से सिलेगी, आसन तैयार कर लेगी, और उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होगा, उसमें कोई पॉलीथीन नहीं लगी होगी, उसमें कोई पन्नी नहीं लगी होगी, केवल उसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा, और उसमें कोई किनारी नहीं, जब तक चले चले फिर उसको सिल लीजिए। पर आसन कुशा का हो, जो केवल आपकी भक्ति के लिए हो, उसको लपेट कर रख दीजिए। और होता है कहीं कहीं आपने दर्शन करा होगा, बिना किन्नौर का भी आसन आता है। आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि आप लोग मार्केट ज़्यादा घूमते रहते हो, तो बड़े बड़े मॉलों में जाते रहते हो, तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि कुशा का जो आसन होता है, उस कुशा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुशा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पे देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर की आराधना होती है, नारायण की आराधना कुशा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का दर्शन आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमलगट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुशा का आसन, मात्र कुशा का आसन बिछा लीजिए, बहुत बस, परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त हो जाए। उद्यापन करते हो किसी व्रत का, बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का, संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है, समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन हो गया। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने एक महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना, हवन करवा दिया, पूजन करवा दिया, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है, उद्यापन का महत्व क्या है, केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसके उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन, उद्यापन का मतलब है क्या, पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी, तो कह आप ये सामान लिया उद्यापन हो जाए, उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा, पर उद्यापन का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है। पशुपतिनाथ का व्रत करो तो अध्यापन में एक श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपए शंकर जी को समर्पित कर दिया, अध्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है, हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया। अभी अभी ये बड़े बड़े जो तीज होते हैं ना, चतुर्थी आती है, कई माताएं उद्यापन करती है चतुर्थी का, हमारे यहाँ तो बहुत होता है, कई माताएं महिला मंडलों इकट्ठे हो के उद्यापन करती हैं, एक महिला मंडल ये इतने उद्यापन करेगी, फिर वो 16 उनको बुलाएगी, फिर 16 उद्यापन का मतलब है क्या, अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी अनायास आपके ही बच्चे पूछ सकते हैं, मम्मी उद्यापन का मतलब, तो क्या जो अपन ने व्रत करा उसका समापन, तो उसका समापन तो वैसे ही हो जाता, फिर उद्यापन करने की क्या जरूरत है।
समापन का मतलब क्या होता है कि तुम एकादशी करते 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 आओ, 26 एकादशी पूरी हो जाए, 27 पे छोड़ दो, हो गया उद्यापन। फिर तो उद्यापन का मतलब ये होता है, उद्यापन की महत्वता ये होती है कि आपने जो व्रत करा, इतने समय से आप एकादशी कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, छठ का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो, जो भी व्रत आप कर रहे हो, उसका उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने व्रत करा, ये व्रत हमारा अभी इधर उधर घूमता रहा, ठीक है। और अच्छी भाषा में समझ लो इसको, और सरल से समझ लो, मतलब लड़की लड़का जब तक कुंवारा रे, तब तक ढेर सारा छोरा छोरी उन्हें देखने आता रे, समझ गए। और ब्याह हो जाए फिर कोई देखने आए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आए नहीं। अगर छोरा छोरी को ब्याह हो जाए, लड़का लड़की का ब्याह हो गया, फिर तुम्हारे यहां कोई खबर आए क्या कि साहब छोरी के लिए हम लड़का भेज रहे हैं, तो कोई खबर करेगा? नहीं, ना जाने कहां से सूचना मिल जाती है कि उनकी छोरी का ब्याह हो गया, फिर संबंध भी नहीं आते, अपने आप कहना ही नहीं पड़े, सबके सूचना मिल गई। भले तुमने ये कोरोना में लॉकडाउन में शादी कर दी, भले तुम 40 आदमी को बुला के ब्याह कर दिया, पर सबको सूचना मिल गई, ना छोरे वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरी के लिए, ना छोरी वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरे के लिए कि साहब लड़का देखने आ रहे हैं या लड़की देखने। ही नहीं साहब, कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो सबको मालूम पड़ गया कि अब किसी ने खबर करी नहीं, किसी ने बोला नहीं, इसके बाद भी तुम्हारे सारे तुम रह रही देवास में, इंदौर मऊ उज्जैन सब दूर खबर हो गई, तो बताया किसने इनके कि हमारी छोरी की शादी हो गई, हमारा छोरा की शादी हो गई, बताया किसने? तो सूचना मिल गई, अब कोई नहीं देखने आएगा। अब छोरी जब से भटक रही, छोरा जब से भटक रहा, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब हो गई, अब कोई देखने आया नहीं, अब कहीं तुम जा रहे नहीं, अब तो संबंध हो गया, अब तो एक जगह छोरी छोरा ब्याह कर बैठ गए, अब कोई नहीं आएगा। बस जब तक उद्यापन नहीं होता, तब तक तुमने जितने व्रत करके रख रखे हैं, ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं, और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो, प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आप शब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो छिन्न होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो तो इसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो भले आगे बढ़ा लो, पर यह नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं कर, जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है, 26 एकादशी हो जाए मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है, 16 सोमवार पूरे हो जाए एक बार का मुझे अध्यापन करना है, पशुपति व्रत हो जाए एक बार का मुझे अध्यापन करना है, चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए एक बार का अध्यापन करना है। मतलब मन में ये बनाकर चलना है कि एक बार मुझे अध्यापन करना है। अध्यापन करने से क्या होता है? तो कहा अध्यापन, माताएं जितने व्रत करती जाती है अगर उसका अध्यापन करती चली जाती है, अध्यापन करती चली जाती है, तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पर माताओं की आदत यह हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है, वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा। एक बार पुण्य करने के बाद, एकादशी करने के बाद, प्रदोष करने के बाद, चतुर्थी करने के बाद, जब तुम्हारी पूर्ण तरह से 26 एकादशी हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तो एक बार व्रत का उद्यापन जरूर करो, जिससे ये 26 प्रदोष मेरे खाते में लिखी हुई पड़ी रहे, फिर मुझे जब जरूरत पड़े तो तब खाते में से निकालो और दे दो, तब तो मतलब। अब तुम करे जा रही एक बार उद्यापन नहीं करा तो भगवान भी सोचे ना जाने कब प्राण छोड़कर चली जाएगी और इसके खाते का सारा माल बहु खाएगी। सीधी बात है, जितनी छोड़कर जाओगे घर में
जो घर में छोड़कर गए हो वो तो दूसरा ही खाएगा ना, और तुम्हारे खाते का तो तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर किसी को नहीं मिले। कई कई लोग तो मर के चले गए, और जाने के बाद जो ये बीमा करवाया था, जो सामान पैसा इतना इधर उधर पड़ा था, वो तो उसके खाते भैया उसके उसके सिग्नेचर दिखाओ, उसका कागज दिखाओ, मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ, दिखाओ जाके कि ये मर गया है, तो फिर हम पैसा देंगे, नहीं तो काय को दें। या तो कागज चाहिए, सील ठप्पा चाहिए। भगवान भी कहेगा नीचे तूने एकादशी तो खूब करी, नीचे तूने प्रदोष तो खूब करा, चतुर्थी भी करी, तीज भी करी, छठ भी करी, सारे व्रत तूने करे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करे, उद्यापन कौन से का करा। अब उद्यापन करने के बाद जो तू 26 कर कर आया, 11 कर कर आया, उसका खाते में तेरे पड़ा हुआ है। जब तू जाएगी तेरे खाते में लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने 26 प्रदोष करी थी, तो उसका पुण्य मेरे सामने आए। और तूने ताली बजाई जैसे राजा महाराजा ताली नहीं बजाए, इन्हें दासी दौड़ के आ जाए, बस तू वहां जाके ऐसी ताली 3 बार बजा देना, हर हर महादेव के ने प्रदोष सामने, ने एकादशी सामने, वो सामने। और फिर वो प्रदोष माता फिर प्रदोष पूछेगी, भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई हुजूर, बोलिए क्या बात है, बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं, मेरे को, मैं कौन समझ जा, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर रहे हैं। अब बोलो। तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई, क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी, तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा, तो भले नहीं करा पर व्रत तो कि सील रजिस्ट्री होगी फ्लैट पे, तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली करा दे, तो सील लगवाओ, उद्यापन की थप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का है। या तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता, 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है ना, शिव महापुराण के उद्यापन में शिव पुराण पूरी होती है तो अभिषेक होता है, रोज भी होता है और आखिरी दिन बड़ा अभिषेक हो जाता है, उद्यापन तो है। भागवत पूरी होए तो लोग भंडारा करें, शिवपुराण पूरी होए तो भी लोग प्रसाद पावे, तो ये एक उद्यापन का महत्व हर जगह कि इसका पुण्य इनके खाते में जाना चाहिए, उनके खाते में पहुंचना चाहिए। अब पुण्य खाते में जाए नहीं, और तुम मन में विचार करके बेटी कितना एकादशी करूँ रे मैं, हमारी मम्मी इतना व्रत करे नहीं, चतुर्थी का करे नहीं, सोमवार का कर ले, तो गुरुवार का भी खूब कर दिए, तुम भी ऐसे ना जाने कितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, और ना जाने कितने साल से गुरुवार का व्रत कर रहे हैं पर एक बार उद्यापन नहीं कर, अब उद्यापन नहीं कर, ये इतना सारा गुरुवार का व्रत गया था, हम तो खूब कर रहे ऊपर जाते से तुम भगवान गुरु महाराज से लड़ोगे, बृहस्पति देवता क्यों हमारा व्रत कांगे हम देते, इतना करा था बृहस्पति महाराज, बोले करा तो था पर सील ठप्पा नहीं लगा था, कब्जे की जगह पे बैठे थे, जा धक्का मार निकाल दिया, अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। हाँ अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती, कब जा कर कर बैठे हो, तो फिर नहीं हो सकता। सील ठप्पा लगाना चाहिए, इस जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, जो जरूरत की रजिस्ट्री है वो तो आज तक नहीं करवा पाए हो, कब से सोमवार का व्रत कर रहे हो रे, जब तो शादी नहीं हुई थी तुम्हारी तब से कर रही हो, अभी तक कर रही हो, मारे तो जब से नहीं छोड़िया मैंने, जब बात करे ना माताएं इतनी जोरदार जोरदार बात करी नहीं, ये आंवला का पेड़ के नीचे कभी कभी बैठ ही जाए कुबेरेश्वर धाम में आके, और जब शाम का समय बैठे नहीं तो जब बात करें नहीं तो सुनना, हम तो कब से व्रत कर रही, मैं तो सोमवार का व्रत, मैंने तो कब से पकड़ा,
नहीं तूने सोमवार के तो पकड़िया, पर महादेव ने तुझे नहीं पकड़िया, सोमवार तो तूने पकड़िया। कब से करी रही मैं तो सोमवार का व्रत, मारी तो शादी नहीं हुई थी, जब से कर रही, और हमारा मामा जी का छोरा करवा के गया था, जब से कर रही, और जो व्रत कर रही कर रही कर रही आज तक कर रही। नहीं कर तो रही पर खाते में गया कि नहीं गया। चेक तो करो कि तुमने जो विठले सेवा समिति को जो दक्षिणा दान दी है मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, भोजन भंडारे के लिए तुमने अमाउंट डलवाया है, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहले पूछो तो फोन लगा के ऑफिस में, क्यों महाराज जी आ गया कि नहीं आया, तब वो चेक करे तो फिर मैसेज करे तुम्हारे पास में कि हाँ पहुंच गया, रसीद आ गई, हाँ पहुंच गया, तो बात अब मालूम पड़े तुमने डाल दिया और तुमने सोमवार का व्रत कर लिया और वो खाते में ही नहीं जुड़ गया, तो मतलब क्या हुआ उसका, उसका थोड़ा तो फल तुम्हारे खाते में जाएगी। जी जी हो कितनी मेहनत से करो रही तुम लोग, ईमानदारी की बात बताओ कितनी मेहनत कर, ये भाई लोग शनिवार का व्रत कितनी मेहनत से करें, इनसे भूखा नहीं रिवा तो भी दुकान पर निकाल निकाल के मूँगफली का दाना खा जाए, पर व्रत तो करे, भले वो किराना की दुकान में सामान निकाल के खा जाए पर व्रत तो करे, मखाना निकाल ले कभी बादाम निकाल ले, और लोग ग्राहक भी पूछे आज सेठ जी क्या भूख ज्यादा लग रही, नहीं आज मेरा व्रत है, काहे का शनिवार का, अच्छा इतना में तो ग्राहक भी बोल जाए तुम्हें व्रत की क्या जरूरत है, तुम शनि से कम हो क्या, तो व्रत करो। अध्यापन का मतलब है कि अपने व्रत को सेफ कर लेना, समझ में आया सबको। अपने व्रत को, जिस व्रत को आप कर रहे हो उसको अपने खाते में लिखवा लेना, अपने खाते में उसको जोड़ लेना। घर में पैसा तो बहुत है, धन वैभव बहुत है, तुम्हारे खाते में कितना, मूल चीज वो आती है कि तुमने भजन किया कितना, तुमने स्मरण कितना किया, जो करा सब कुछ करा सबके लिए करा, आपने एकादशी का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, आपने सोमवार का व्रत करा, सारे व्रत आपने जो करे वो करे, परंतु आपके खाते में कितने लिखे वो देखा जाता है। वैसे तो मुझे उम्मीद है, हमको इस व्यासपीठ से तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने जितने व्रत आप करती हो तो अध्यापन जरूर करे होंगे, वैसे तो सब लोग जो समझदार हैं वो तो करते ही करते हैं, उनको तो मालूम ही होगा, पर अगर रह गए हो नहीं कर रहे हो तो प्रयास करिएगा, जो भी आप व्रत 26 व्रत कोई से भी आपके जैसे पूरे अधिक मास के हर महीने के जब व्रत पूर्ण हो जाए तो प्रयास करा करो कि हम जो है रिटर्न बढ़ा, प्रयास करा करो कि हम व्रत का उद्यापन अवश्य करो। उद्यापन मूल है, व्रत की एक एक बात को हमको समझना है, व्रत की एक एक चरित्र को हमको ध्यान करना है। प्रदोष की कथा में लिखा है त्रयोदशी, व्रत की कथा में लिखा है, प्रदोष की व्रत की कथा में लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो स्नान करो, ठीक है। केवल प्रदोष से मतलब नहीं है, एकादशी का अगर व्रत कर रहे हो तो उसमें भी वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो स्नान करो, ठीक है। दूसरा आसन लगाओ स्नान करने के बाद, काय का अभी बताया था, जम के बोलो कुसा का, पांच चीजों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ है, पांच बीमारियों के लिए, पांच रोगों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ। पहला नेत्र के लिए, पहला नेत्र की बीमारियों के लिए कुसा का आसन श्रेष्ठ है। एक प्रयास और करिएगा, जिस समय पर किसी की आंखें आ जाएं, आंखें आना मालूम है ना, आंखें आना का मतलब ये नहीं होता कि दो की जगह और चार आ जाएंगे,
नहीं तो तुम कह दो कि गुरुजी बोले हैं कि आंखें आ जाए तो और अलग से एक्स्ट्रा आएगी हो। नहीं तो दुनिया के लोग बड़े जरा जरा समझदार ज़्यादा है ना, तो उनको जरा एक एक चीज़ समझ लेना चाहिए बिल्कुल हो। नहीं तो तुम वही फिर वही वाली बात आ जाएगी अभी, फिर काली मिर्ची, फिर वही बात आ जाएगी। आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि दो आंख की जगह और चार आंख आ जाए। आंखें आने का मतलब होता है कि नयनों में एक रोग हो जाता है जिसमें उसको कीचड़ आने लगता है नेत्रों में और जाले बनने लगते हैं, उसको कहते हैं नेत्र आना, आंखें आना। ठीक है, सारी दवाई आप करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, सब कुछ कर लो, एक प्रयास करना नेत्र के लिए कि कुसा का आसन हो, उस आसन पर बैठकर अपने दोनों पंजे जब आसन पर रखा जाए और आप आराम से बैठ जाए, प्रयास जहाँ तक हो कि कुसा के आसन पर कपड़े से ज़्यादा स्पर्श होने की जगह पर अपने शरीर का भाग स्पर्श हो, पंजे ज़्यादा स्पर्श हो, और वहाँ बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए, दो दिन ढाई दिन, बस दो दिन भी कर लिया, ढाई दिन भी कर लिया, तीन दिन भी कर लिया, नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे दो दिन के अंदर समाप्ति पर आ जाएगा, दो दिन के। हृदय के लिए कुशाकासन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, एक महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहां पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे, होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर कईयों को कह देते हैं कि नस चोक हो गई, नाड़ी चोक हो गई। उसके लिए जिसको हृदय का रोग हो जाता है, जिसकी नाड़ियां चोक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुसा के आसन पर बैठो, 5 दिन तक प्रयास करना कि कुसा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको, अगर कहीं बैठे भी हो कुसा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गादी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुसा को बिछा लो थोड़ी देर के लिए। उस कुसा के आसन को आप बिछा लीजिए जहां बैठो, वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, नहीं तो हम तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि आपके यहाँ जितने सोफे लगे हैं ना, हम तो कहेंगे उसकी जगह ये जो तुम लोग वो बिठा बिछाते हो ना सोफा का सेट नहीं रहे, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछाते, क्या बोलता कवर, हम तो कहेंगे उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती, नहीं तो हम तो कहेंगे कि उस पे है ना कुसा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसके भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चोक होगी तो क्लियर हो जाएगी, थोड़ा बहुत तो दवाई तुम भी कर सकते शंकर जी का नाम लेकर, पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर वही खजूर वाली चोटियाँ, अब फैशन ही नहीं दिखे तो इतना जोरदार जोरदार मार्केट में क्या जोरदार जोरदार सोफा का कवर आवे, कितना जोरदार जोरदार सामान आवे, अब तुम उसको देखें कि इसको बिछाएं, अब सीवर वाला महाराज के कहने में चले तो आसन बिछा दे, तो मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे आसन, कुसा का आसन तो लोग फैशन में हटा दिए, नहीं तो अब तो पहले लोग पूजन करने बैठते थे तो कुसा का आसन लगाते थे, आजकल तो कपड़े का आसन, ऊन वाला आसन, ये सब जोरदार जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा दिया, अब फैशन में बिछे दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुसा का आसन बिछा के शादी फेरे पड़ा, अब आज के जमाने में तो इतनी बड़ी कुर्सी रहे उनकी भी जोरदार उस पर बिठा है, वो भी पूरा लहंगा महंगा नहीं फैला ही नहीं बिठा फैला फिर बैठ। कुसा का आसन दूसरा, पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का रोग, ठीक है, तीसरा
शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का रोग, जब चमड़ी कहीं से तालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियाँ पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया, तो फिर कुसा के आसन का प्रयोग करिए। कुसा के आसन पर बैठना प्रारंभ करिए। तीसरा है चर्म। चौथा कुसा के आसन के लिए, उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हो, प्रयास करिए कि आप पूजन कुसा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना आदि आदि, आप कर कर देखिए, कुसा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति होगी, सुख मिलेगा। पांचवा महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता है। कुसा का आसन ज्यादा, जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर। 10 मिनट लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर दर्द बंद। कुसा के आसन में वो तेज पुंज होता है, कुसा के आसन वो बल होता है, कुसा के आसन में वो बलता रहती है, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है आपके, आपको वो बल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व महाराज। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए, फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है, कारण क्या कारण होता है उसका एक कारण माना गया है, नमक की वर्जितता जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव, प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही, क्या करे वो, अकेली निवास कर रही। अकेली रह रही और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर
कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं, सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था, और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है, कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अब ठीक है, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, शंभु सब दुख काटो, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अवधूत रूप निराला, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, शंकर सब दुख। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगनी शिव की आराधना में डूबी हुई थी, शंकर की आराधना कर रही थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई, और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जावे, मुझे कुछ भोजन मिल जावे,
और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पवाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहाँ पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रस तत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही सी कहा, इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा, घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो भयो होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अनुकूट होते हैं, समाज के जब अनुकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अनुकूट होते हैं, बड़े बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अनुकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अनुकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना, तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया, एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई, इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा, वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाया। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहाँ तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहाँ तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले, तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डलने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जमके तो बोलो, एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं,
इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, वो तुम डाल दिया, वो उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी, आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का, जैसे जो 21,000 रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं जिनकी तरफ से रोज भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है उसके बाद ही उसको चखा जाए, यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए, उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है, ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस पुकाना वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना ऐसी पूजन ऐसी भक्ति में भी करूंगी, ऐसी आराधना में भी करूंगी, अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना पाए, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक, ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव रखो। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे, ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को, सामने एक कोई बालक
भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा, मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया, माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब यह बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते 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 विदर्भ राज में प्रवेश कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर राज्य पर आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। जब यह बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना लिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं एक युवराज हूं, मैं एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है उसके पाने का, मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए बाबा ने आपको बुलाया और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को, मेरा निवेदन है जिस भाव से सुने आप निवेदन कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है आप पूर्ण करना, तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में बस शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है शिव। प्रदोष त्रयोदशी, महाराज ब्राह्मणी उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार,
महाराज ब्राह्मणी उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापिस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद देओ कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता तो क्या कर लेते, हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, दो समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते ने भगवान, बहुत कृपा की। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी। भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है। भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया। अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाडले, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल। दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है, वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भाई रे बावरी, बावरी कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल का